दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से आईक्यू लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक्चुअली जो संविधान के अंदर भारत और जापान जो है ना, भारत और भारत जापान किस संविधान में ही इसको मान्यता दे रखी है पूरी दुनिया में, संविधान में ही, संविधान के एक भाग के अंदर ये आता है, ठीक है। अपने क्या हुआ, मूल संविधान के अंदर कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, उसके बाद 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसके बाद एक मूल कर्तव्य, ये जोड़े गए थे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ये 6 से 11 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है, ठीक है। अब ये जो अपन ने लिए, ये मूल कर्तव्य हम लोगों ने लिए कहाँ से थे, तो ये हमने रूस से लिए थे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए थे, रूस से। मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए थे। मूल कर्तव्य भारत जापान जो है उसके संविधान के अंदर स्पेशल है। बाकी अब बात आती है कि ये जोड़े कैसे गए, किस समिति बनी थी, समिति समिति पहली बनी थी सरदार सवरण सिंह समिति, ये मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की ही बात की थी कि केवल 8 मूल कर्तव्य जो है वो ही संविधान के अंदर जोड़े जाएं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 8 की सिफारिश की थी। नंबर 2, एक बनी थी वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी 1999 में बनी थी, वर्मा समिति 1999 में। ये जो 1999 में बनी थी ये क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की समीक्षा के लिए बनी थी, इनकी समीक्षा करनी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज की जो समीक्षा थी वो वर्मा समिति, तो सरदार सवरण सिंह समिति और वर्मा समिति। अभी क्या होता है कि अपने कर्तव्य किस टाइप के कर्तव्य की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर दिया गया है कि सरकार के कुछ कर्तव्य हो कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, सरकार के कुछ कर्तव्य हो वो जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए करे, जनता के लिए करे, समान कार्य के लिए, समान वेतन है, गर्भवती की सहायता है, प्रसूति सहायता है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए बचाव करना है, ये सारी चीजें डीपीएसपी के अंदर दी गई है। ये भी वादियों के नहीं है, वादियों के नहीं है, मतलब इसको बेस बना के कोर्ट में नहीं जा सकते, या गैरवाद है, गैरवाद है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि भाई सरकार के कर्तव्य बनते हैं तो हम भी जन जो सरकार के नागरिक हैं, सरकार जनता से मिलके बनी है, तो हमारे भी कर्तव्य बनेंगे। तो ये जनता के कर्तव्य हैं, ये जो कर्तव्य हैं ये जनता के कर्तव्य हैं, ठीक है। अब अपने मूल कर्तव्य देखते हैं कि ये जो है भाग 4 क में आते हैं, अनुच्छेद इसका मात्र एक ही, 51 क, उसके अंदर ये सारे मूल कर्तव्य आपके आ जाते हैं। 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय राजनीति शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आईआर की बात है जो काफी बार पूछा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपने संविधान में जगह है। और 51 क के अंदर मूल कर्तव्य है, तो सरदार सवरण सिंह समिति थी उसने कहा था कि 8 ही मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन अपने 10 जोड़े थे उस टाइम पे। तो सबसे पहले था कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान जो है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जो है वो जो संस्थाएं हैं उनका क्या करें, आदर करें, आदर करें। अब इसको याद करने में बहुत इजी है, संविधान है एक है, राष्ट्रध्वज एक है, राष्ट्रीय गीत भी अपना एक ही है, तो एक कितने नंबर में आ जाएगा, एक नंबर में आ जाएगा,
ठीक है, अब आती है बात दो। दो के अंदर है उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। जो जो अपने संविधान के उच्च आदर्श हैं या अपने देश के जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में सजोए रखें, संजोए रखें। एक्चुअली हृदय जो होता है एक आलिंद और एक नीले होता है, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक आलिंद और एक नीले। तो ये दो नंबर पे आ जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, एक तीन नंबर का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तीन नंबर का है भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। इसमें तीन नाम दिए गए हैं, प्रभुता, एकता और अखंडता। ये तीन नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देश की अखंडता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना और प्रभुता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब नंबर चार के ऊपर, चार के अंदर आता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो चार का मतलब क्या होता है कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। किस लिए? रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने को तैयार होना चाहिए, पूरे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भ्रातृत्व की भावनाएं बढ़ाएं, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाना और स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों का सम्मान करना। यदि स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो पांच करना, तो पांच नंबर की क्या पड़ेगी अपने को? थप्पड़ पड़ेगी। किससे? केंद्र सरकार से। तो पांच नंबर के अंदर आपको स्त्रियों का सम्मान करना हो गया, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना और स्त्रियों का सम्मान करना। यदि सम्मान नहीं करेंगे तो सरकार अपने को क्या लगाएगी? चाटे लगाएगी। चाटे पांच नंबर अंगुली में होते हैं। अब आती है बात छठे की, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो अपनी गौरवशाली जो परंपरा है, परंपरा का महत्व समझे, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। ठीक है, गौरवशाली जो अपनी परंपराएं हैं, भारत की पुरानी जो हैं वो सारी चीजें अपन उनका महत्व समझे, परंपराओं का, सारी चीजों का। अब नंबर सात पे, पर्यावरण का संरक्षण करना और पुरानी माती के प्रति दया रखना। पर्यावरण का संरक्षण करना, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना। इनका यदि उल्लंघन भी होता है तो हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये वादियों के नहीं है। अब नंबर आठ पे आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब घर के अंदर बच्चा, यदि गांव गली के अंदर यदि कोई भी आदमी वैज्ञानिक बनता है, वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो क्या हो जाते हैं उनके मजे हो जाते हैं, आठ नंबर। ठीक है, अब आता है नौ नंबर का। नौ नंबर का आता है कि नो, नो मतलब नो, हिंसा नहीं करनी, हिंसा से दूर रहे। गांधी जी का भी आगे इसके अंदर कि हिंसा से दूर रहे, नो मतलब नहीं करनी है, हिंसा से दूर रहना है। और नंबर दस, जिसके दस में से दस नंबर आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, ऊंचाइयों तक ले जाएं। क्योंकि जिसके दस में से दस नंबर आते हैं तो क्या बोलते हैं? कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इसको राष्ट्र को ये क्या करेगा, अपनी ऊंचाइयों को, माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा और राष्ट्र का नाम भी रोशन करेगा। तो याद रहने में बहुत ईजी है। 11, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा के देना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना। कौन कौन करेंगे? माता पिता और अभिभावक और संरक्षक। माता पिता अभिभावक और संरक्षक जो हैं वो करेंगे। अब बात आती है कि
ये वाद योग्य तो है नहीं, लेकिन पूछा जाता है, यूपीएससी की कोटेशन आई हुई है, और इसके अलावा आरएस के इंटरव्यू वगैरह में या फिर कोई और कॉलेज वगैरह के इंटरव्यू देते हैं या कोई और एग्जाम देते हैं, तो अच्छा यदि पेपर सेट किया जाता है तो उनके माइंड में होता है कि एक तो एक नंबर का, एक नंबर, एक 7 नंबर का पर्यावरण संरक्षण, एक 11 नंबर का। ये जो तीन है, एक नंबर है, 7 नंबर है और 11 नंबर है, इन तीनों का यदि अपन उल्लंघन करेंगे तो हमें सजा होगी, यहाँ पे दंड मिलेगा, दंडनीय है ये ध्यान रखना आप। तीन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वो दंडनीय है, यदि संविधान का पालन नहीं करे राष्ट्रध्वज, तो राष्ट्रध्वज संहिता जो है वो अपने ऊपर लग जाएगी। अब नंबर 7 के ऊपर पर्यावरण संरक्षण 1986 का जो एक्ट है वो अपने ऊपर काम करेगा और अपने ऊपर लग जाएगी धारा। 11 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यदि अपन शिक्षा नहीं दे रहे तो क्या है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भाई आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये है मूल कर्तव्य, बहुत इजी है, याद करना बहुत है इजी है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और संविधान एक एक है, तो एक नंबर में आएंगे। हृदय है एक आलिंद एक नीले से मिलके बना है, दो में आ जाएगा। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता 3 शब्द हैं, तो 3 में आ जाएगा। देश की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे, किसके लिए तैयार रहे, रक्षा करने के लिए तैयार रहे, 4 में आ जाएगा। भ्रातृत्व की भावना और स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो चनपट पड़ेंगे। और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, पर्यावरण संरक्षण करना और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऊंचाइयों को छूना, हिंसा से दूर रहना, नौ का नौ नहीं करना और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।